हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग पटेल, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंद्रवाला हेल्थ केयर सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड की समस्या होती क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, और इसमें जो है कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना हमको, और इसको जड़ से कैसे ठीक करना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिसके कारण जितनी वीडियो है सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस यूरिक एसिड का लक्षण क्या होता है। यूरिक एसिड का लक्षण होता है सभी जोड़ों में दर्द होते हैं, यानी उंगलियों के जो जोड़े होते हैं या कलाइयों के जो जोड़े होते हैं, हाथ या कंधे के जोड़े होते हैं, और पैर के जो घुटने होते हैं, और ये सारे जितने भी जोड़ होते हैं बॉडी के, ये सारे जो जोड़ होते हैं ये सब जो है पेन करने लगते हैं, यानी दर्द होना इसमें स्टार्ट हो जाता है। इसमें अजीब तरीके का दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द बना रहता है हमेशा। कितना भी आप ट्रीटमेंट कराएंगे इसका दर्द नहीं जाता। अगर आप यूरिक एसिड का जांच वहीं पर कराते हैं तो आपको यूरिक एसिड पॉजिटिव मिलता है। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण यही होता है कि हमारा जो है लाइफ स्टाइल, लाइफ शैली जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, यानी जो है हमारा भोजन कभी भी साधारण नहीं होता है। यानी हम जब भी बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं फास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही घातक होता है, और हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और हमको जो है बाहर की चीज़ें अवॉइड करना है। और सबसे पहले आपको इसे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी जो पानी है, पानी को आपको बदलने की जरूरत है। यानी अगर आपका आपके घर में आरओ लगा हुआ है, उसका टीडीएस काफ़ी कम है, तो उस टीडीएस को थोड़ा सा बढ़वा लीजिए, क्योंकि जब मिनरल्स उसमें के आपके बॉडी में नहीं पहुंचते तभी आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। और यूरिक एसिड की समस्या होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है हमारा जो भोजन बनता है, यानी जो चावल दाल बनाते हैं, तो उसको ज़्यादातर हम लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं। जब कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है भोजन अच्छे से पकता नहीं, और वो जो है भाप के द्वारा भोजन होता है। जो भाप के द्वारा भोजन होता है वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले आप कुकर को जो है अवॉइड करिए, कुकर का भोजन अवॉइड करिए, आपकी जो है स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा। और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे नमक का भी जो है इस्तेमाल आप चेंज कर दीजिए अपना नमक, यानी आप जो है टाटा का नमक इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद नमक इस्तेमाल करते हैं, इस नमक को आप चेंज कर दीजिए। आपको सेंधे नमक का इस्तेमाल करना है, यानी सेंधा नमक आपको बाजार में मिल जाएगा, उस नमक को आपको इस्तेमाल करना है रेगुलर बेस पर, जो पहाड़ी नमक बोलते हैं, और उसमें मिनरल्स वगैरह बहुत भारी मात्रा में होती है। और जो हमारा टाटा का नमक होता है केमिकल, जो टाटा का नमक होता है इसमें इतना ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इतना ज़्यादा केमिकल ताकि वो साफ़ हो सके, और वो उसमें जो है कलर लाइट आ सके, इसीलिए उसको केमिकल से धुलाई की जाती है। और ये हमारे लिए नमक जो है कहीं ना कहीं कैंसर का भी कारण बन सकता है, इसीलिए आप टाटा के नमक का एकदम से इस्तेमाल जो है बंद कर दीजिए। आप अपने परिवार को जो है नमक से बचाइए, क्योंकि नमक ही जो है हमारे स्वास्थ्य को एक दिशा देता है, और हमको जो है डेली भोजन शैली में कुछ रहे चाहे ना रहे, हमारे जो भोजन में नमक जरूर से रहता है। तो नमक को चेंज करिए और अपनी जो है स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक हो जाइए। और आगे हम बात कर लेते हैं जो कि हमको इसमें कौन सा भोजन का इस्तेमाल करना। अगर यूरिक एसिड की समस्या है तो आपको यूरिक एसिड का जांच आता है, यूरिक एसिड की जांच आप करा लीजिए। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो आपको जो है प्रोटीन का परहेज करना है, यानी आपको चना और अंडा, मछली, मीट, ये सब परहेज करना आपको, यानी हैवी चीज़ें आपको नहीं, मैं आपको हैवी चीज़ें नहीं खाना है। और इसमें जो है हल्के भोजन का इस्तेमाल करना, साग सब्जियों का इस्तेमाल करना, आपको दूध, अंडा, मीट, मछली, ये सब का इस्तेमाल एकदम से नहीं करना है। और इसमें जो है आप जितना परहेज कर ले जाएंगे, यानी आपका डाइजेशन जितने अच्छे से भोजन को पचा ले जाएगा, उतने जल्दी आपका जो है यूरिक एसिड कंट्रोल होगा। इसमें भोजन में सबसे अच्छा आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करने का काम करेगा बाजरे की रोटी। अगर आपको बाजरा मिल जाए, बाजरे की रोटी मिल जाए, तो सबसे बेहतर है कि आप उसका इस्तेमाल करिए। 1 से 2 महीने के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी जो है यूरिक एसिड की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी दवा, मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि हमारी यूरिक एसिड एकदम से जड़ से जो है ठीक हो जाए, यानी यूरिक एसिड एकदम कंट्रोल हो जाए। तो बॉडी में जो है यूरिक एसिड अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक का काम करेगा, यानी आपकी जो हार्ट, बीपी, शुगर जैसी समस्याएं आपको भविष्य में चलकर हो सकती हैं। यानी आपको यूरिक एसिड 100% आपको कंट्रोल करना ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी एक प्रकार से चलता फिरता बीमारी का जो है एक बॉक्स बनकर रह जाएगा। तो इसके लिए आपको कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम दो
होम्योपैथ मेडिसिन को बताएंगे। सबसे पहली मेडिसिन है अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर, इसको आपको ले लेना है होम्यो शॉप से, और इसका जो है सेवन आपको सुबह दोपहर शाम 20-20 बूंद एक कप पानी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। यानी जब भी आप कोई भी ड्रॉप का इस्तेमाल करिए तो आप शीशे के गिलास या चीनी मिट्टी के कप में इस्तेमाल करिए, किसी भी एल्यूमिनियम तांबा वगैरह में मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये जब उसमें जाता है तो एक प्रकार का रिएक्ट करता है और इसका जो है डोज कहीं ना कहीं कम हो जाता है या तो आपको ये नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए आप जब भी इसका इस्तेमाल करिए तो आप शीशे के गिलास या चीनी मिट्टी के कप का ही इस्तेमाल करिए। तो दूसरी मेडिसिन का नाम है केंट फार्मा का जो एक मेडिसिन आती है K32 नंबर, इसको सुबह दोपहर शाम आपको इस्तेमाल करना है 20-20 बूंद, और इसके साथ इसका जो है सेवन आपको भोजन के बाद ही करना है। जितनी भी मेडिसिन है सारी मेडिसिन का प्रयोग आपको भोजन के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में एक सिरप आता है यूसीए केयर सिरप, ये आयुर्वेद कीवा कंपनी का सिरप है। इसका यूसीए कंट्रोल सिरप का जो इस्तेमाल आपको सुबह दोपहर शाम 5 ml में जो है करना है इसको, और इसको जो है भोजन के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक टेबलेट आता है कीवा कंपनी का जो यूरिक एसिड टैबलेट के नाम से आता है, इसको सुबह और शाम भोजन के बाद आपको इसका इस्तेमाल रेगुलर बेस पर करना है। 3 महीने का जो कोर्स होता है इसको 3 महीने आप कोर्स कर लीजिए, आपका 100% यूरिक एसिड की जो समस्या है ये जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर ये दवा आपको कहीं नहीं मिल रही तो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ से आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमको संपर्क कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से जो है डायरेक्ट अपने यहाँ जो है कैश ऑन डिलीवरी पर भी आप जो है मेडिसिन पूरे भारत में कहीं भी है तो आप दवा मंगा सकते हैं और अपनी जो है समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। यानी आप डायरेक्ट हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी मोबाइल नंबर जो नीचे ही दिया गया है हमारा पर्सनल नंबर है, आप हमसे जो है पर्सनली बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हमारे सामने रख सकते हैं और जो है अपनी जो है दवा आप करा सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियोज कैसी लगी जो बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत, अगली बार मिलेंगे कुछ नए और अच्छे वीडियोज के साथ। नमस्कार।